हेलो जी नमस्कार सलाम सत श्रीकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल आकाश बाईजूज नीट यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के आज के इस सेशन में हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लास इलेवंथ की ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन जिसे आप सादी भाषा में एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या फिर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बहुत सारी बेहतरीन बातें जानेंगे कि एक्सक्रीशन की ये प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है अलग अलग एनिमल ग्रुप्स में कौन कौन से अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड राइट right? हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन सिस्टम हमारे शरीर में प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स होती हैं किडनीज और एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमारे पास स्किन है ंग्स है लिवर है लार्ज इंटेस्टाइन है तो ये सारे ऑर्गन भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं किडनीज का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे रीनल कॉटेक्स क्या है रीनल मेडुला क्या है यूरेटर्स क्या होते हैं यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर कैसे करता है मिक्चुरेशन की प्रक्रिया क्या होती है किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं हर नेफ्रॉन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म और फिर एंड में हम जिक्र करेंगे डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स का सो दिस इज गोइंग टू बी ए वंड वंडरफुल सेशन मैं ये चाहूंगा कि आप सब लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आई एम श्योर आपको ये सेशन पसंद आएगा एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे कौन कौन से राजा बेटा और रानी बेटियां हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर निखिल हैं आदित्य हैं रेहान हैं एंड मुआज हुसैन सविनय धनंजय वेलकम वेलकम एवरीवन। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बने यही हमारा उद्देश्य है मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद एम फिल एंड पी एच डी डिग्री विद मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस दस लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स मुझसे पढ़ के आज अपने जीवन के एक बेहतरीन मुकाम पे हैं और अगला नंबर आपका है आप सब भी वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना चाहते हैं बिल्कुल बनना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको मेहनत करने के लिए तो तैयार रहना चाहिए ठीक है जी सवाल में ही राजा बेटा और रानी बैठी हैं लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब आप एक्सक्रीशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स या कह दीजिए एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ध्यान रखिएगा राजा बेटा ये मेटाबॉलिज्म शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या होता है सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर हैपनिंग इन द बॉडी तो एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट चलो आप सादी भाषा में लिख लेंगे एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ हार्मफुल जो कि नुकसानदायक है ठीक है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट जो शरीर में मेटाबॉलिज्म के कारण बने भाई शरीर में मेटाबॉलिज्म तो हर समय हो रहा है है ना अब एक और टर्म जैसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक्सक्रीटा पास आउट करना क्या पॉटी करना जो है वो एक्सक्रीशन है नहीं

एंड इट हैज नॉट अंडरगोन मेटाबोलिज्मिज्म नहीं हुआ है right? आगे no. जब आप बात करते हैं शरीर के की, कि कोई जानवर कौन कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट बनाएगा तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि एनिमल्स खाते क्या हैं किसी भी एनिमल की बात कर लीजिए उसकी डाइट क्या है तो एनिमल्स मेनली क्या क्या खाते हैं आप कहेंगे सर एनिमल्स या ह्यूमन कह दीजिए एनिमल्स बर वन कार्बोहाइड्रेट्स शॉर्ट में लिख दू काब्स नंबर टू फैट्स नंबर थ्री प्रोटीनस एंड स्मॉल अमाउंट में course diet में न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं किसी भी जानवर की डाइट का ये चीज़ें मेन हिस्सा होती हैं ये चीज़ें शरीर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब फाइनली

तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वो भी तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है सांस के जरिए एक जेल आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बोनेट आय में भी कन्वर्ट होती है ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट जो शरीर में बनता है वो होता है पानी वाटर तो पानी भी रिमूव करना है पानी कैसे कैसे रिमूव होता है स्वेट की फॉर्म में पसीने की फॉर्म में पानी चला जाता है बाहर हमारे दोनों लंग्स मिल करके वेपर्स की फॉर्म में भी तो पानी बाहर निकाल देते हैं ना मॉइस्चर की फॉर्म में आप एक पॉलिथिन बैग में एक जेल आउट करते रहिए करते रहिए आप देखेंगे उसमें कितना सारा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा तो दोनों लंग्स मिल करके एक दिन में लगभग चार सौ पानी साढ़े चार पानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं मॉइस्चर की फॉर्म में तीसरा तरीका जिसके जरिए पानी शरीर से बाहर निकलता है दैट इज यूरिन पेशाब की फॉर्म में यूरिन की फॉर्म में पानी शरीर से बाहर जाता है राइट क्लियर जी ना वेस्ट होते हैं किसी भी जानवर में वो शरीर से किन किन तरीकों से निकल सकते हैं तीन मेन तरीके होते हैं बेटा अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड ध्यान रखना अमोनिया इज हाइली टॉक्सिक हमारे शरीर में अमोनिया बनता है बिल्कुल बनता है लिवर में अमोनिया बनता है लेकिन वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है राइट जी देन कुछ जानवर यूरिया रिमूव करते हैं यूरियोटैलिक कहते हैं कुछ यूरिक एसिड रिमूव करते हैं तो यूरिकोटेलिक तो अगर हमसे ये पूछा जाए पंकज बेटा कि कौन कौन से मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट ये तीन मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है अब इनमें से नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा जानवर मेनली क्या एक्सक्रीट करता है उसके आधार पे हम उसे अमोनोटेलिक यूरियोटैलिक या यूरिकोटेलिक कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में अमोनिया या यूरिक एसिड नहीं बनता बिल्कुल बनता है लेकिन मुख्य रूप से मेनली हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया तो इसलिए हम इंसानों को यूरियोटेलिक कहते हैं अब कई जानवर ऐसे हैं जो कि अमोनोटेलिक होते हैं राइट अमोनिया इज हाइली टॉक्सिक इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड अमोनिया अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है तो अमोनिया के रिमूवल के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल विच ओनली एक्वेटिक एनिमल्स कैन एफोर्ड जो जानवर खुद पानी में रहता है वही शरीर से अमोनिया बाहर निकालना अफोर्ड कर सकता है तो पानी में रहने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे स्पॉन्जेस आपने पड़ा फाइलम पोरीफेरा फाइलम निडेरिया प्लेटी हेलमिथस ये सारे अमोनोटेलिक होते हैं जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में हायर एनिमल ग्रुप्स की तरफ जाएंगे ना तो आपको देखा दिखने को मिलेगा कि कुछ जानवर यूरिको हैं और फिर कुछ यूरियो हैं। इज इट क्लियर जी पंकज याद रहेगा एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दो यार आपके लाइक्स तो हमारे दिल तक पहुंचते हैं सेशन अच्छा लग रहा है ना मजा आ रहा है ऑथेंटिक बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो आपको लाइक तो जरूर करना चाहिए निखिल पंकज विक्रम सुनो लिखा है ना लीस्ट टॉक्सिक तो यूरिक एसिड जो होता है सबसे कम टॉक्सिक है सबसे कम जहरीला है यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल इट इज ओनली दाइट्रोजनस वेस्ट विच कैन बी रिमूव इन सेमी सॉलिड या पेस्ट की फॉर्म में ठीक है दिव्यांशी सेमी सॉलिड फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में यूरिक एसिड शरीर से रिमूव हो जाता है जैसे बर्ड्स की जो एक्सक्रीटा होती है है ना उसमें यूरिक एसिड होता है यूरिया यूरिया जो है मॉडरेटली टॉक्सिक है ठीक ठाक है ना बहुत ज़्यादा जहरीला है ना कम जहरीला है ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट यूरिया ब्लड के थ्रू जो है यूरिया ट्रांसपोर्ट हो सकता है एंड यूरिया रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल यूरिया के रिमूवल के लिए शरीर से बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता एक क्लिनिकल केस को मैं अभी अभी, अभी ब्लॉक कर रहा हूँ और ये रहा जी बाय बाय ठीक है वो समझ गए वो क्लिनिकल केस जो है उनका दिमाग जो है वो बार बार एक बात पूछ रहा है क्या होता है ये कौन सा चैप्टर है क्या पढ़ू तो जो तुम्हारा मकसद था कि तुम्हारा नाम यहाँ अनाउंस करके तुम्हें मजबूरियाँ दी जाए वो नहीं होगा बाय बाय चिल मारिए बाकी पढ़ने वाले अकलमंद बच्चे वापस लौट आइए तो मैंने अभी तक आपको तीन बातें बताई हैं कि भाई जो जानवर कोई भी चीज खा रहा है उसका मेटाबॉलिज्म जब हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं तो ये तीन चीजें मुख्य मेटाबॉलिक वेस्ट हैं इसमें से

ठीक है दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप इसके अलावा नीट आकाश डिजिटल या बायो की रणनीति टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा तीन बातें ध्यान रखना अमोनोटेलिज्म क्या होता है यूरियोटेलिज्म क्या होता है यूरिकोटेलिज्म क्या होता है यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटेलिज्म के स्पेलिंग अलग है तो कंफ्यूज मत होना अमोनोटेलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें वो जानवर हम इंक्लूड करेंगे विच मेनली एक्सक्रीट अमोनिया तो हम कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक सबसे जहरीला टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया और वो वही जानवर अफोर्ड कर पाएंगे बेचारे जो पानी में रहते हैं ठीक है जी सीन ओनली इन एक्टिक एनिमल्स मेरी में अमोनिया गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो जो बोनी फिशेज है स्पॉन्जेस है प्रोटोजोन है, है ये सब अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं पंकज सुनते रहो सारी बातें आगे बताऊंगा बेटा यूरियोलिज्म होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिया यूरिया बनता कहाँ शरीर में लिवर में बनता ध्यान रखना किस चीज से बनता है अमोनिया से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ते हैं तो यूरिया बना देते हैं यूरिया नीदर लीस्ट यूरिक है। तो यूरिया कहता है कि ठीक है भाई मैं बहुत ज्यादा जहरीला नहीं हूँ और ब्लड कहता है ओके मैं यूरिया को ट्रांसपोर्ट कर लूंगा तो यूरिया कैन बी ट्रांसप्लोटेड बाय ब्लड हैं

तीसरी चीज यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड प्लीज रिमेंबर यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया मॉडरेटली टॉक्सिक यूरिया लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड

बर्ड्स रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड लैंड इंसेक्ट में कॉक्रोच भी आ जाएगा बहुत सारे चैट के इनरेवेंट मैसेज इग्नोर करूंगा बिल्कुल कोई बच्चा पूछ रहा है मैं डीमोटिवेटर फलाना है तो यह सब सेशन आपके मोटिवेशन के लिए नहीं है ये कोर क्वालिटी एजुकेशन केवल एक्सप्री सिस्टम पढ़ाया जाएगा आप पढ़ना चाहते हैं सिंसियरली तो

डा में आता है ना फेरिटीमा पॉस्टिमा तो इसमें होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं आर कॉल्ड क्वालिटि इंसेक्ट के केस में कॉकरोच में मैल टिब्यूल्स तो एक क्रॉस मैच करने का एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक तरफ एनिमल ग्रुप लिखा होगा या एनिमल का नाम लिखा होगा और सामने उसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लिखे होंगे प्रॉन के केस में ग्रीन ग्लैंड्स जिनको एंटीनरी ग्लैंड्स भी या एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं प्रॉन कौन से फाइलम में प्रॉन एक क्रस्टेशन है आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है ह्यूमंस के केस में एनसीईआरटी कहती है कि किडनीज है राइट हैव है पेयर ऑफ किडनीज ठीक है गुरलीन वाभव इज इट क्लियर निखिल Now, ये मैं वो बता रहा जो केवल एनसीआर में अगर तो तो टिश्य नहीं, नहीं है तो कोई ऑर्गन भी नहीं होगा तो स्पॉन्जेस के केस में एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन कैसे है उनकी बॉडी वॉल के थ्रू पिनमोडम सेल्स होते ना तो बॉडी वॉल के थ्रू डिफ्यूजन के जरिए गैसेज भी एंटर करेंगी पानी एंटर करेगा मेटामॉलिक वेस्ट बाहर निकल जाएंगे

कौन कौन से अलग अलग तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड सबसे ज्यादा पानी चाहिए अमोनिया को सबसे कम पानी किसे चाहिए शरीर से निकालने के लिए यूरिक एसिड को इज इट क्लियर जी राइट right? एक बार चैट बॉक्स में मुझे जरा फ्लावर्स एंड केक्स एंड कैंडीज एंड हार्ट्स भेज दीजिए ताकि मैं देख लूं कि चैट बॉक्स में बच्चे एक्टिव हैं बुलंद हैं अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में राजा बेटा एक तो होते हैं हमारे चीफ और द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है जी राजा जी चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं किडनीज अपेयर ऑफ किडनीज दो किडनीज होती हैं और इसके अलावा हमारे पास

लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे आप कहेंगे सर स्किन में ना पसीने वाली ग्लैंड होती हैं स्वेट ग्लैंड सूडोरिफिक ग्लैंड भी कहते हैं जो कि लगातार पसीना बना रही हैं स्वेट बना रही हैं स्वेट के थ्रू शरीर से क्या क्या बाहर निकल जाएगा पानी निकलेगा वाटर सॉल्ट निकलेंगे यूरिया भी निकलता है इसके साथ साथ लेक्टिक एसिड निकलता है स्वेट ग्लैंड के अलावा स्किन में ना ऑयल ग्लैंड भी होती हैं सबेशियस ग्लैंड जिन्हें कहते हैं ऑयल ग्लैन्स क्या बनाती हैं ऑयल ग्लैंस लगातार ऑयल बनाती है जिसको सीबम भी कहते हैं सीबम के थ्रू शरीर से बाहर क्या निकलेगा लेक्टिक एसिड निकल जाता

प्लीज़ रिमेंबर स्किन के अलावा अगर मैं कहूं कि लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए बिल्कुल हो गए भैया लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है लंग्स पानी भी एक्जेल आउट कर देते हैं मॉइस्चर की फॉर्म में लंग्स के थ्रू जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं वो भी तो एक्जेल आउट करते हैं ना जैसे लोग एल्कोहल लेते हैं तो सांस में दुर्गंध होती है अल्कोहल की तो अल्कोहल हो गया और किटोन्स हो गए किटोन समझते हैं ना किटोन बॉडीज भी कह देते हैं किटोन आर फॉर्मड फ्रॉम द मेटाबोलिज्म कौन कौन से होते हैं किटोन एसिटोन एसिटोटिक एसिड बीटाहाइड्रॉक्सी ब्यूटैरिक एसिड तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अलग अलग किटोन्स का नाम बताओ बस इतना याद रखना कि किटोन्स जो है वो शरीर में किससे बनते हैं फैट्स के मेटाबोलिज्म से किटोन्स बनते हैं इज इट क्लियर विक्रम ने सही कहा कि एसिटोन जो होता है इज इट क्लियर चलो जी सो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में स्किन हो गई लंग्स हो गए लिवर लिवर कैसे है लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर मेटाबोलाइजेज टॉक्सिन्स लिवर मेटाबोलाइजेज स्टेरॉयड हार्मोन्स लिवर में हीमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन होता है हेम में और ग्लोबिन में फिर हेम फर्दर टूटता है बिली रूबिन बिली वर्डिन में बाइल जूस में वो रिलीज हो जाता है बाहर राइट लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है लार्ज इंटस्टाइन रिमूव दॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है रिमूव होते हैं मैकदीप ने सही कहा स्टीरोड हॉर्मोन्स को लिवर शरीर से बाहर निकालता है चलिए तो अब हम आ जाते हैं ह्यूमन एक्सप्रीच सिस्टम में एक कंप्लीट पिक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़नी हैं। किडनीज़ पता होनी चाहिए किडनीज़ के साथ लंबी लंबी ट्यूब्स हैं यानी यूरेटर्स हैं जो किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर इज द रिजर्वायर और द स्टोर हाउस फॉर द यूरिन 800 सौ तक यूरिन होल्ड कर सकता है यूरिनरी ब्लैडर लेकिन लगभग लगभग जब डेढ़ सौ दो यूरिन इकट्ठा हो जाता है ना यूरिनरी ब्लैडर में तो हमें वो अर्ज या डिजायर हो जाता है कि हम यूरिन को पास आउट कर दें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर कैसे जाता है यूरिथ्रा के थ्रू यूरथरा एक लंबी सी डक्ट होती है मेल्स में यूरिथ्रा लंबी है फीमेल्स में यूरिथा छोटी होती है मेल में यूरिथरा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं बिकॉज मेल यूरिथ्रा कैरीज़ यूरिन एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव फ्लोइड सीमेन फीमेल यूरिथ्रा थ्री टू फोर सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड फीमेल यूरिथ्रा कैरीज़ ओनली यूरिन ठीक है जी तो हमें पढ़ना क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज के बारे में हमें पढ़ना है यूरेटर्स के बारे में और हमें पढ़ना है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में एंड यूरथरा के बारे में अच्छा एक बात याद रखना यूरिथ्रा जो डक्ट है ना ये केवल मैमल्स में होती है रेप्टाइल्स बर्ड्स में यूरिथ्रा नहीं होती कोई मुझे बता सकता है दिव्यांशी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में फिर वो कॉमन पैसेज वो कॉमन चैम्बर क्या होता है जिसके थ्रू एनिमल यूरिन भी पास आउट करता है जिसके थ्रू एनिमल एग्स भी पास आउट करता है रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स भी पास आउट करता है कोई मुझे बता सकता है एक क्लिनिकल केस में और ब्लॉक करने जा रहा हूँ जो बार बार बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं जो बच्चे चैट में एक्टिव हैं उनको दिख गया एक क्लिनिकल केस और ब्लॉक हुआ राइट ओवर स्मार्टनेस तो कतई टॉलरेट नहीं होगी मेरे सेशन में कितने भी चलाक बनी है कोई पूछ रहा है ए क्या होता है हमें ये बता दो बता जब एन पे आएंगे आपके दिमाग के ऊपर जितनी जंग जमी हुई है सब उतार देंगे

तो ये जो यूरथा है ना राजा बेटा ये मैमल्स में होती है बाकी जानवरों में ना कॉमन पैसेज होता है दैट इज इज क्लोएका क्लोएका के थ्रू जो है वो अपने अंडे भी रिलीज करते हैं क्लोएका के थ्रू ही वो जानवर अपना यूरिन भी पास आउट करते हैं क्लोएका के थ्रू अनस्टेड फूड भी पास आउट करते हैं ठीक है जी महदीप सिंह गिल ग्रेट वंडरफुल वुली सेशन को लाइक करते रहो शेयर करते रहो मेरी प्यारी प्यारी बातें आप तक पहुंचेंगी कड़वी भी लगेंगी सच हमेशा कड़वा होता है बिटर एंटीबायोटिक की तरह हूं मैं एकदम सटीक इलाज करूंगा

एक बार इसी बात पे क्लैपिंग और लाइक्स जरूर हो जाएं, फिर मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर बताता हूं राजा बेटा चलिए जी मजा आने वाला है आज के सेशन में बहुत चलो दिव्यांशी पोम्पा मंडल हाँ डॉली बिलाल सैयद निखिल सेज हंड्रेड परसेंट यस निखिल, किडनी दो किडनी होती है हमारी राइट और लेफ्ट कई इंसानों में ना जन्म से ही एक किडनी होती है तो इंसान एक किडनी के साथ जिंदा भी रह लेता है ऐसी कोई बात नहीं है कई बार हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो दूसरे इंसान से जब हमने किडनी ली है तो जिससे जिसकी किडनी निकाल दी गई वो भी तो जिंदा रहेगा ना शरीर में थोड़ा सा दूसरी किडनी पे लोड जरूर बढ़ जाता है बट इंसान एक किडनी के साथ जिंदा रह सकता है ठीक है चलो किडनी

रीनल कैप्सूल के ऊपर फर्दर एक कवरिंग भी होती है फैटी होता है पूरी किडनी पे होता है मैंने कौन बताएगा एडिपोस टिश्यू क्या स्टोर करता है कौन बताएगा जल्दी से जल्दी से हाँ जी जल्दी से बताइए रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी सही अकलमंद बच्चे चैट में आंसर दे रहे किडनी को ऊपर से कवर करती हुई एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है जो कुशनिंग की तरह काम करती है एडिपोस कैप्सूल इसके बाहर भी एक लेयर होती है रीनल फेशिया वो आप पढ़ेंगे आगे एम बी में किडनी का जब मैं सेक्शन काटूँ किडनी को अंदर से आप देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसे ऐसे एरिया नज़र आएगा जिसमें धारियां धारियां बनी हुई हैं स्ट्राइटेड एरिया है उस स्ट्राइटेड एरिया को रीनल मेडुला कहते हैं और बाहर वाला डॉटेड एरिया होता है डॉटेड एरिया रीनल कॉटेक्स का लाता है तो अब यहाँ पे दो बातें याद रखना किडनी का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो दो बातें यूज करेंगे outer region is renal cortex, inner region is renal medulla. theek hai ovary mein bhi to पढ़ते hain ovarian cortex, ovarian medulla, cerebral cortex, cerebral medulla. तो ये cortex और medulla general terms हैं, जो हम बहुत सारे organs के ऊपर जो है, वो लागू करते हैं। ये वाला रीजन हाइलम होता है सो हाइलम इज द एंट्री पॉइंट ऑफ यूरेटर नर्व्स एंड ब्लड वेसल हाइलम के थ्रू ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं है ना आर्टरीज एंटर करेंगी वेन बाहर निकलेगी यूरिनरी ये जो यूरेटर है ये भी हाइलम के थ्रू एंटर कर रहा है यूरेटर जब किडनी में एंटर करता है तो यूरेटर की ब्रांचेज हो जाती हैं द ब्रांचेज ऑफ यूरेटर इन द किडनी दे आर कॉल्ड वॉट दे आर कॉल्ड कैलिसिस यूरेटर की जो ब्रांचेस हैं किडनी के अंदर उनको कैलेसिस कहते हैं अच्छा कोई मुझे बताएगा साहिल चंद्रा की कौन सी आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द किडनी उस आर्टरी का नाम बता दीजिए जब मैं यू करूं इसका मतलब प्रेस द लाइक बटन जल्दी से पूनम कुमारी कौन सी आर्टरी किडनी को रीनल आर्टरी आयमन फातिमा महकदीप दिव्यांशी प्रियांशु सबने सही बोला है अंजू अक्षय एकदम सही सो ध्यान रखना राजा बेटा रीनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू किडनीज रीनल वेन कलेक्ट्स द ब्लड अवे फ्रॉम किडनीज रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है रीनल वेन वहां से ब्लड ले जाती है जैसे लिवर को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी और जो लिवर से वेन बाहर निकलती है दैट इज वेन सिंपल है याद रह गए तो बिल्कुल चलो ना ये देखिए किडनी के जोन्स हमने बता दिए द आउटर रीजन इज कॉल्ड रीनल कॉटेक्स इनर रीजन इज कॉल्ड इनर मेडुला कॉटेक्स जो होता है नहीं ना डॉटेड होता है अपियरेंस में अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ एक रफ किडनी का डायग्राम आप भी कोशिश किया करो साथ साथ बनाने की ये तो हो गई ठीक है तो मैं आपको बना के दिखाता हूं ये है किडनी का मेडुला रीजन मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं ऐसे धारियां धारियाँ से नजर आती हैं स्ट्राइटेड नजर आता है ये रीनल मेडुला ठीक है दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वॉट मेडुलरी पिरामिड्स पिरामिड की शेप में है ना ठीक है सुमुल इसलिए हम मेडुलरी पिरामिड कह देते हैं ये जो बाहर वाला रीजन है ना मेरे बच्चे यहाँ डॉट 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 से नजर आएंगे आपको ऐसे तभी हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स इज डॉटेड इन अपियरेंस कैसा है रीनल कॉर्टेक्स इट इज डॉटेड इन अपियरेंस रीनल मेडुला इट इज striated in appearance renal cortex is dotted in appearance renal medulla is striated in appearance okay what is this structure ureter right or यहां से यूरिन बनके कंटीन्यूअसली फ्लो होके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आता है मेडुला में ये जो धारियां हैं और कॉर्टेक्स में जो डॉट्स है हैं ये कि किस कारण से हैं जब आप एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे ना बिकॉज़ किडनी में है क्या भाई किडनी में, में नेफ्रॉन ही तो है नेफ्रॉन के पास एक एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है बोमस कैप्स्यूल ये पी सी टी अप्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल उसके बाद ये बन जाती है लूप ऑफ हैनले फिर ये ऐसे ऊपर को जाती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले फिर ये बन जाती है डी सी टी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड तो ये का स्ट्रक्चर है जो अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आप किडनी को देखते हो तो जो आपको डॉट डॉट नजर आते हैं ना वो एक्चुअल में तो अगर मैं इस डॉट को एनलार्ज करके एक्चुअल में है क्या किडनी में सो दीज आर कैप्स्यूल्स इज इट क्लियर राइट और धारियां नजर आ रही है वो ट्रिब्यूल है क्लियर हुआ जी इतना ना लिखा है पेरिफेरल जोन ऑफ द किडनी कई कई जगहों पे कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन टू दैसे मेडुला में एक्सटेंडेड है ना उस हिस्से को कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी व्हाट आर रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कोई डिफाइन करेगा रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या होते हैं एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स दी द जहां-जहां कॉर्टेक्स मेडुला में एक्सटेंडेड है ये लिखा right? है ना कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी राइट रीनल कॉर्टेक्स लेबल्ड है कैलिसिस क्या बताया मैंने बच्चे कैलिसिस आर ब्रांचेस ऑफ यूरेटर कैलिसिस आर ब्रांचेस ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी मेजर कैलिसिस माइनर कैलिसिस सबको क्लियर हो गया ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अब क्या आ जाएगा नेफ्रॉन नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम क्या है नेफ्रॉन्स को यूरिनी टिब्यूल्स भी कहते हैं आर आल्सो टिब्यूल्स वन मिलियन प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी एंड द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इज फिक्स्ड। इट कैन नॉट इंक्रीज इट कैन डिक्रीज बिकॉज ऑफ सम डिजीज और इंजरी बढ़ता नहीं है कम हो सकता है तो यहां पे आपने ये देखा है कि हमने एक नेफ्रॉन को निकाल के जूम करके आपको दिखाया कि किडनी में ये नेफ्रॉन देखने में कैसा होता है ईच किडनी हैज नियरली वन मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल नेफ्रॉन्स और यूरिनिफेरस टिब्यूल्स नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी विच प्यूरीफाई ब्लड तो नेफ्रॉन्स का काम होता है ब्लड को प्यूरीफाई करना

मैलपिगियन कॉपसल भी कहते हैं एक आपने मेलपिगियन टिब्यूल भी पढ़ा है वो इंसेक्ट्स के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं सो दिस इज मैलपिगियन कॉर्पसल या पिगमेलियन कॉर्पसल भी बोला जाता है इसे राइट रीनल कॉर्पसल में दो चीजें हैं फिर फर्दर रीनल कॉर्पसल में बोमेंस कैप्स्यूल आएगा और उसके अंदर कैपिलरीज का गुच्छा है जैसे ग्लोमी रूलस कहते हैं राइट रीनल टिब्यूल में क्या क्या आ जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पीसीटी अब यहां पर एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके आपको दिखाया गया कि नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें हैं पहले हम ये टर्म्स अपने दिमाग में बिठाते हैं बोम कैप्स्यूल

में बताए थे जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो देखो साइंटिस्ट का नाम वही है बोमेंस बोमेंस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन नोज एक बोमेंस मेम्ब्रेन भी होती है बोमेंस मेम्ब्रेन कॉर्निया का हिस्सा होती है बोमेंस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द कॉर्निया क्लियर है जी राइट सो बोमेंस कैप्स्यूल क्या है इट इज़ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर तो मैं ये भी कह सकता हूँ बोमेंस कैप्स्यूल इज अ ब्लाइंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर

तो ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है ना अंदर बना हुआ दिस इज वट इज कॉल्ड एज कोई मुझे बताएगा कैपिलरीज का ये गुच्छा क्या कहलाता है? कैविटी ऑफ द वोम्यूल दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आयमन फातिमा ने सही कहा इट इज ग्लोमी रूलर्स इट इज ग्लोमी रूलर्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द कैविटी ऑफ वोमन कैप्स्यूल ये आर्टेरियोल है अफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेके आ रहा है और ये होता है राजा बेटा इफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड वहां से ले जाता है किडनी के पास ब्लड आएगा उसी को तो फिल्टर करेंगे आर्टेरियोल ब्रिंग्स द ब्लड एंड इफरेंट आर्टेरियोल टेक्स द ब्लड अवे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ग्लोमी रूलर कैपिलरीज में जिसका भी हम आगे जिक्र करेंगे ग्लोमी रूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसके कारण फिर ब्लड फिल्टर होता है तो अभी तो हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं सिर्फ बोमेंस कैप्स्यूल इज अ ब्लाइंड कप शेप्ड डायलेटेड एंड ऑफ पीसीटी इट इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर

फोल्डेड हाईली फोल्डेड ट्रिब्यूल है पी सी टी याद हो गया राइट right, जी बिल्कुल पीसीटी के बाद नेक्स्ट क्या आ जाती है एल ओ एच एल ओ एच का फुल फॉर्म लूप ऑफ हैनले हम कह देते हैं Henle, जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे यू शेप्ड होता है

सो so, ये वाला हिस्सा है डी एल ओ एच यहाँ से फ्लूड ऐसे ऐसे फ्लो करेगा इसमें डिसेंड करेगा यहाँ पे जो जो फिल्ट्रेट इसमें आएगा वो भी हम आगे देखेंगे ऐसे करते हुए आगे फ्लो करता जाएगा लगातार कॉन्टिन्यूसली फ्लो बना रहता है सो लूप ऑफ लूपले लॉन्गर होती है बर्ड्स एंड मैमल्स में ध्यान रखिएगा लूप ऑफ इज लॉन्गर इन बर्ड्स एंड मैमल्स सो दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन हैनलेस लूप इज अ हेयर पिन या यू शेप्ड स्ट्रक्चर इट हैज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम Right? ये आगे जाके किस में खुली है इसके बाद आगे कॉन्टिन्यू हो जाती है बेटा इसमें मतलब डिस्टल ये भी है, मतलब ये भी फोल्डेड है सो टिब्यूल कॉन्वल ट्रिब्यूल नेटवर्क फॉर्म इन कॉन्टिन्यूएशन टू द असेंडिंग लिम याद रहेगा इतना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं बोमेंस कैप्सूल पीसीटी डीएलओएच एएलओएच डीसीटी कोई मुझे बताएगा पूरे नेफ्रॉन की लंबाई कितनी होती है एनी आइडिया एनी गेस व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ नेफ्रॉन बताओ जल्दी से कोई नहीं बता रहा <laughs> मैं भी नहीं बता रहा ढूंढना तुम अपने आप कितने मिलीमीटर लंबा होता है नेफ्रॉन मोआज हुसैन कह रहे हैं 30 मिलीमीटर mm. बिलाल सैयद बिलाल सैयद अपने नाम के आगे से ना ब्रैकेट में नीट एस्पिरेंट हटा दो लिख दो डॉक्टर बिलाल सैयद फेक इट टिल यू मेक इट अपने आप के अंदर ये पॉजिटिविटी तो एस्पिरेंट बिलाल सही बोले मैंने बात चल आगे बढ़ते हैं डी सी समझ आ गया आपको फिर बहुत सारी डी जो है ना ये जाके कलेक्टिंग टिब्यूल में खुलती हैं ये कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग टिब्यूल होती है इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स की टी जो है ओपन होती है सो डी सी टी फ्रॉम मैनी कलेक्टिंग टिब्यूल दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग टिब्यूल और वी कॉल इट कलेक्टिंग डक्ट इज एट क्लियर राइट चलो बिलाल सही बोला ना मैंने तो नाम बदल लेना अपना फिर चलिए कलेक्टिंग डक्ट क्या है ये देखो जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था डीसीटी ओपनस इनटू कलेक्टिंग डक्ट शैल आई राइट डीसीटी डिस्टल कॉनवोल्यूटेड टिब्यूल ओपनस इनटू सीडी डीसीटी का फुल फॉर्म डिस्टल कॉनवोल्यूटेड टिब्यूल सीडी का फुल फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट फिर ये कलेक्टिंग डक्ट कहां जाएगी

Capillary network formed by afferent arteriole into cavity of Bowman's capsule. कैपिलरीज का एक गुच्छा है 20 से 40 तक भी हो सकती हैं 20 टू 40 कैपिलरी लूप्स जो कि बोमेंस कैप्सूल में बना हुआ है ब्लड लेके कौन आता है राजा बेटा ब्लड लेके आता है अफरेंट आर्टेरियोल स्पेलिंग ए से शुरू हो रहे हैं अफरेंट आर्टेरियोल कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस मतलब ये एक आर्टेरियोल arteriol आया आर्टेरियोल समझते हैं एक बड़ी आर्टरी होती है लार्ज आर्टरी इट डिवाइड्स टू फॉर्म स्मॉल आर्टरीज विच फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म स्मॉलर आर्टरीज फिर आर्टेरियोल्स बनते हैं सो so, ये अफरेंट आर्टेरियोल ऐसे करके कैपिलरीज का गुच्छा बना देता है ढेर सारी कैपिलरी लूप्स जो है वो बन जाती हैं और हम उन कैपिलरी लूप्स को कह देते हैं ग्लोमैरुलर्स ठीक है तो समझ लो ये सब कैपिलरीज बन गई और ये बना कहाँ है इन साइड दी ऑफ द बोमेंस कैप्स्यूल ये सब कैपिलेरीज का जाल फैला हुआ है राइट सो ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं दैट इज ए आर अफरेंट आर्टेरियॉल विच इज ब्रिंगिंग द ब्लड टूवर्ड्स दोमेंस कैप्स्यूल याद हो गया अफरेंट आर्टेरियल अब कैपिलरीज फिर फर्दर यूनाइट कर जाएंगी वैसे तो आप जानते हैं कैपिलरीज के यूनाइट होने से वेन बनती है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि ये वेन नहीं बनती है ये फिर से आर्टेरियोल बन जाता है ये तो राजा बेटा हो गया पी ऐसे करके ना प्रोक्सीमल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल हम बात कर रहे थे अप्रेंट आर्टेरियोल की जिसने कैपिलरीज का ये गुच्छा बनाया जिसको हमने कहा ग्लोमैरोस अब यहां से जो आर्टेरियोल ब्लड ले जाएगा आगे अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस उसको क्या बोलना है इफरेंट ब्लड ले जा रहा है ये सीधा जाके ब्लड वेन में नहीं डाल देगा ये इफरेंट आर्टेरियल जो है दोबारा से कैपिलरीज में डिवाइड कर जाता है राइट ना सो सी हियर इेंट आर्टेरियॉल कैरीज अवे द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस

मैं चाहूंगा कि आप लेक्चर का लिंक अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करना व्हाट्सएप ग्रुप्स में टेलीग्राम ग्रुप्स में या जहां भी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सको ज्यादा से ज्यादा अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़ने चाहिए वासा रेक्टा डिफाइन करें महकदीप वासा रेक्टा क्या होता है वासा रेक्टा होता है कैपिलरी लूप्स कैपिलरी लूप्स विच रन

और जो जो कैपिलरीज पैरेलल रहती हैं लूप फैलने के उन्हें हम कह देते हैं वासा रेक्टा ओके चलिए जी ने दो तरह के होते हैं किडनी में उनकी लोकेशन के आधार पे। सो so, हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स दो टर्म्स याद रखिएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या क्या बोला मैंने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जिनका मेजर पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स में है तो वो कॉर्टिकल है 80 से 85% प्रतिशत ऐसे ही होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है उनका हैंडलेस लूप बहुत ही शॉर्ट होता है दे एक्सटेंड वेरी लिटल इनटू द मेडुला राइट जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 80 टू 85% नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी आर कॉर्टिकल 15 टू 20% ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी आर जक्स्टा मेडुलरी what is the meaning of juxta medullary nephrons juxta pass me they are located at junction of cortex and medulla shall i write juxta medullary nephrons located at junction of cortex and medulla इनका लूप ऑफ एलने बहुत लंबा होता है देयर लूप ऑफ एलने इज वेरी लॉन्ग एंड इट एक्सटेंड्स डीप इनटू द मेडुला इज इट क्लियर जी राइट गुरलीन आदित्य कह रहे हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए अभी देना चाहिए डेली दो रोजाना नीड से पहले पहले मॉक टेस्ट रेगुलर होना चाहिए ठीक है जी राइट बिल्कुल सही कहा प्रियांशु ने पेरी टिब्यूलर ही वो कैपिलरीज हैं आर फॉर एब्जॉर्बिंग द फ्रॉम रीनल ट्रिब्यूल वो हम हमेजम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सो so, लोकेशन के आधार पे किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड मेडुलरी नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स नो रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म नो रोल इन सी सी एम वॉट इज सी सी एम उंटर करंट मैकेच विल बी डिस्कसिंग शॉर्टली प्ले रोल इन सी सी एम काउंटर करंट मैकेनिज्म द यूर कॉन्सेंट्रेटेड इज इट क्लियर है जल्दी से इतनी बातें समझ आ गई है आपको किडनी का स्ट्रक्चर आउटर कॉटेक्स इनर मेडुला किडनी इट कैन डिक्रीज बिकॉज ऑफ समीज और इंजुरी बढ़ नहीं सकता कम हो सकता है ठीक है जी कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है जक्सट्राडिलरी क्या है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमने समझा एक बार मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप साइन भेज दीजिए कि सर इट्स क्लियर वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड एंड जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा लाइक का बटन प्रेस कर दो हंड्रेड लाइक्स फॉर एवरी सेक्शन कम ऑन क्विकली आदित्य गुरलीन प्रियांशु मैं आगे बढ़ रहा हूं अगली स्लाइड दिखाता हूं और बेहतरीन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर महकदीप का कहना है इट्स वेरी क्लियर अक्षय ठाकुर क्रिस्टल क्लियर साहिल चंद्रा इरम डॉली आर्या ग्रेट अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले गॉड ब्लेस यू अच्छा रैंक आया आपका नीट में नाउ एक चीज यहां पे समझना जरूरी है जक्स्टा ग्लोमी रूलर अपरेटस जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं जे जी एक्स्टा ग्लोमी रूलर ऑपरेटर्स जेक्टा मतलब क्लोज पोजिशन नियर ग्लोमेरुलस के नियर बाय कोई चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है शॉर्ट में जे जी ए कह दिया हमने हुसैन जेक्स्टा ग्लोमी रूलर ऑपरेटर्स इसमें तीन चीजें आती हैं एक इसमें आता है नंबर वन जे जी सेल जक्सटा हैज जेडी सेल्स जेजी सेल्स का फॉर्म फुल फॉर्म है जेक्टा सेल्स नंबर टू इट हैज मैकुला डेंसा सेल्स एंड नंबर थ्री इट हैज हैजिस सेल्स राइट जक्स्टा ग्लोमेरुलर अप्रेटस में कौन कौन सी तीन चीजें हैं चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं

होने वाले बदलाव को यह डिटेक्ट करते हैं और जो कीमोप्टर है ये सोडियम के लेवल में होने वाले बदलाव जो है उन्हें डिटेक्ट करते हैं तो इसी से मिलकर के बनेगाटर्स

These are modified smooth muscles of afferent arteriole. Modified smooth muscle cells of afferent arteriole. Right? Yadrega? and they detect changes in blood pressure and they secrete renin r e n i n renin dhyan rakhna ek aur renin aapne padha hai that is r e double -N, n i n renin ye wala renin jo hota hai na ye stomach mein hota hai it is for the digestion of the milk protein casein इसके spelling में double n है. यहाँ पे हमने जो renin लिखा है इसमें बीच में एक single n है. r e n i n yaad rahega sabko lesser cells ko paul kission cells mesangial cells polar cushion cells gourmetty cells बहुत सारे नाम होते हैं सेल्स के इनके बारे में हम पढ़ेंगे दीज आर लोकेटेड एट द दुलर एंगल विच इज फॉर्म बाई अफरेंट एंड ईफरेंट आर्टेरियल उनके बीच में जो जगह है ना वहाँ सेल्स होते हैं और ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज दी ओवरऑल सर्फेस एरिया कमलेश तुमने रेनिन के स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखे हैं पीछे एंड में आई नहीं होता ई नहीं होता जो रेनाइन तुमने बता दिया ना इज इट क्लियर स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द दॉन इज क्लियर बताइए मुझे एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट वास्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पार्ट क्विकली बताइए जल्दी से ठीक है चलो अब हम समझते हैं कि किडनी में यूरिन बनता कैसे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अच्छा उससे पहले ये भी ध्यान रखना है हमें <coughs> कि ओवरऑल जो है इस प्रक्रिया में राइट फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में दो बातें आ जाती हैं यूरिया फॉर्मेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो। यूरिया फॉर्मेशन ध्यान देना यूरिया अलग बात है और यूरिन अलग बात है सो आई कैन राइट हेयर। फिजियोलॉजी of excretion involves number one urea formation number two urine formation. So where is urea formed? Right can anyone tell me where is urea formed? Urea formation is may chemical reactions involved here, chemical processes. Urine formation may मैकेनिकल प्रोसेसिस फिल्ट्रेशन होना है कुछ प्रेशर्स इन्वॉल्व होंगे तो रासायनिक प्रक्रियाएं भी हो रही हैं और मैकेनिकल प्रोसेसिस भी हैं जहां तक यूरिया फॉर्मेशन का सवाल है यूरिया इज फॉर्म्ड इन कहां पे लिवर फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया हां बिल्कुल सही हुसैन ने कहा बाय ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल बाय यूरिया साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड थिन साइकिल क्रेब्स हेंट साइकिल भी कहते हैं ठीक है सो so, ऑर्निथीन क्या है एक नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड होता है जो यूरिया के बनने में इन्वॉल्व होता है अमीनो एसिड आपने कई तरह के पढ़े हैं कुछ अमीनो एसिड डायरेक्टली प्रोटीन बनाते हैं ग्लाइसिन एलानिन वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एसोल्यूसिन प्रोलिन सी इनथ्रोनिन फिनटायरोन टक्ट्रोफेन वगैरह प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं दो अमीनो एसिड्स नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं ऑर्नीथीन एंड सिट्रोलिन सो ऑर्नीथीन जो है दैट इज अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड विच इज इन्वॉल्व इन यूरिया सिंथेसिस तो यूरिया बनता का है जी लिवर में लिवर में बनने के बाद कहाँ रिलीज हो जाता है ब्लड में ये जो पूरा यूरिया साइकिल है ना इसकी रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है आगे जाके एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे अमोनिया कम्बाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू तो फॉर्म कार्बामॉयल फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ ए टी पी कार्बामाइल फॉस्फेट कम्बाइंज विद ऑर्निथीन टू तो फॉर्म सिट्रोलिन सिट्रोलिन कम्बाइन्स विद एस्पार्टिक एसिड टू तो फॉर्म आर्जीनो सक्सिनिक एसिड आर्जीनो सक्सिनिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इंटू आर्जिनिन एंड फ्यूमेरिक एसिड आर्जिनिन इज देन ब्रोकन डाउन इंटू यूरिया

ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि यूरिया साइकिल रिमूव्स विच टू हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड याद रहेगा कहां पे हो रहा है लिवर में तो लिवर से जो वेन बाहर निकलती है उसका नाम क्या होगा लिवर से जो वेन बाहर निकलती है उसका नाम होगा हिपेटिक वेन हिपेटिक वेन हैज हेपैटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा जो यूरिया कॉन्टेंट है वो हिपेटिक वेन का होता है और कौन सी वेन का यूरिया कॉन्टेंट सबसे कम होता है दैट इज रीनल वेन सो प्लीज रिमेंबर रीनल वेन हैज मिनिमम यूरिया कॉन्टेंट रीनल वेन हैज मिनिमम यूरिया कॉन्टेंट लिख लीजिए रीनल वेन हैज मिनिमम यूरिया कॉन्टेंट लिख लिया सबने प्रियांशु महकदीप विच वेन हैज मिनिमम यूरिया कॉन्टेंट रीनल वेन एंड विच वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कॉन्टेंट दैट इज हिपैटिक वेन हिपैटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कॉन्टेंट रीनल वेन हैज मिनिमम यूरिया कॉन्टेंट सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स यूरिया साइकिल के बारे में और क्या क्या बातें मैंने बताई हैं यूरिया साइकिल के बारे में मैंने आपको और बात ये बताई है दैट यूरिया साइकिल इज ऑपरेटिंग इन लिवर

लाइक like का बटन जरूर प्रेस करो आई so टोल्ड का उसको शरीर से बाहर निकालने, फिल्टर है अब किडनी सारे का सारा यूरिया फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल देगी ऐसा नहीं कि ब्लड में जीरो यूरिया कंटेंट हो जाएगा कि यूरिन में सारा यूरिया बाहर आ गया नहीं ब्लड की ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन करके रखने के लिए भी सर्टन अमाउंट ऑफ यूरिया चाहिए होता है सो द सेकेंड स्टेप इज यूरिन यूरिन फॉर्मेशन नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मेशन राइट यूरिन के बनने में तीन प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं वन इज अल्ट्राफिल्टरेशन री एब्सॉर्बेशन एंड सिक्रेशन तो मैं लिख रहा हूं यूरिन फॉर्मेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स Glommy ruler filtration. It involves glommy ruler filtration. It is also called nephric filtration and it is also called ultrafiltration. Urine formation involves number 1 glomerular filtration nilanchu number 2 tubular reabsorption tubular reabsorption and number 3 tubular secretion

जैसे मैं लाल रंग से डॉट डॉट दिखा देता हूँ भैया ये जो फिल्टर होकर के चीज़ें नीचे आई हैं ब्लड में से सारी चीज़ें फिल्टर नहीं हो सकती केवल प्लाज्मा फिल्टर होता है तो ब्लड में से अगर प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है तो क्या फिल्टर नहीं हो रहे हैं आर बी प्लेटलेट्स तो वो सब चीज़ें हट जाएंगी वो फिल्टर नहीं हुए प्लाज्मा में से भी प्रोटीन्स और फैट्स नीचे नहीं आते तो जो ग्लोमी फिल्ट्रेट बना है जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना है तीनों नाम उसी के ग्लोमिरूलर फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। उसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी उसकी कॉम्पोजिशन हो जाएगी प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंड फैट्स फैट्स भी नहीं होते ध्यान रखना प्लाज्मा प्रोटीन्स फैट्स। तो ये जो फिल्टर होके नीचे आया है ना इसका नाम क्या है इट इज नेफ्रिक एन ई पी एच आर आई सी नेफ्रिक फिल्ट्रेट इट इज नेफ्रिक or it is also called ultrafiltrate and what is the composition? Answer DJ what is the composition of the nephric filtrate plasma minus proteins and fats now the question is what are the different pressures what are the different pressures involved in ग्लोमी रूलर फिल्ट्रेशन ठीक है जी मैं एकदीप ने सही लिखा प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंड फैट्स आयमन फातिमा गुरलीन बिल्कुल सही अब मैं वो प्रेशर्स बता रहा हूं कि किन किन प्रेशर्स के कारण चीजें यहां से फिल्टर हो जाएंगी सबसे पहला ग्लोमी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जी एच पी नंबर टू प्रेशर ब्लड प्रेशर नंबर थ्री सी एच पी कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिठाइए दिमाग में ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आगे एमबीबीएस में भी पढ़ेंगे है ना ग्लॉमी रूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जीएचपी इससे मतलब क्या है देखो अफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है इफरेंट आर्टेरियल का कम होता है सो बिकॉज ऑफ दैट अ प्रेशर इज क्रिएटेड इन दी ग्लॉमी रूलर कैपील राइट सो शेलाइट वॉट इज द फुलॉर जी एच पी GHP is gloomy ruler hydrostatic pressure. What is the reason for this pressure? Due to narrow efferent arteriole. अब डायग्राम में तो आपको सेम डायमीटर लग रहा होगा, लेकिन इफरेंट आर्टेरियल नैरो होता है. Due to narrow ए फ्रटरियोल वाला प्रेशर जो है फिल्ट्रेशन को इट फेवर फिल्ट्रेशन तो इट इज क्लोज टू सिक्स मर्क्री होती है ठीक है जी सेकेंड प्रेशर इज बीसी वॉट बीसीओपी स्टैंड फॉर ब्लड में प्रोटीन है ना तो दे ब्लड कोलोयडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड to ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू this प्लाज्मा colloidal osmotic प्रेशर इट proteins, proteins opposes फिल्ट्रेशन यह फिल्ट्रेशन नहीं होने देता एक प्रेशर कह रहा है कि फिल्ट्रेशन होने देंगे एक रह नहीं होने देंगे तो अभी हम देखेंगे कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकलेगा सी एचपी होता है कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक तीसरा प्रेशर लिखा था ना हमने यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वॉट इज दिस कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डूइंग इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द वोमेंस कैप्स्यूल ऊपर से अच्छी से फिल्टर होकर आ रही है लेकिन इस बोमन कैप्सूल की कैविटी में पहले से भी तो कोई फ्लूड होगा जो फ्लूड पहले से होगा वो ऊपर से फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा धक्का बैक लगाएगा उसे कहेगा नहीं नहीं भैया फिल्टर होने देना तो दैट इज गोइंग टू अपोज इट फिल्ट्रेशन समझ आ गया जी ठीक है जी साठ बत्तीस अठारह इन प्रेशर की वैल्यू होती है सिक्सटी थर्टी टू एंड एटीन सो जो एन एफ पी बनेगाट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसको ई एफ पी भी कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर वो क्या होगा जो फेवर कर रहा है ग्लोमिरूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसमें से वो दोनों माइनस कर दो जो अपोज कर रहे हैं बी सी ओ पी अपोज कर रहा है सी एच पी अपोज कर रहा है ठीक है जी तो मतलब साठ माइनस बत्तीस जमा अठारह तो बत्तीस जमा अठारह यानी पचास साठ में से पचास माइनस करेंगे तो दस तो हमारा जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ह्यूम्स में दैट इज़ टेन एम एम मर्क्री याद रहेगी ये बात ठीक है जी शालिनी इंपॉर्टेंट है एन में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है लेकिन फंडामेंटल समझना ज़रूरी होता है एन एक सिलेबस गाइडलाइन नहीं है ऐसा नहीं है कि भाई जो चीज़ नीट में पूछनी नहीं वो हम क्यों जाने हमें क्या करनी ऐसा थोड़ी है कि इन चीज़ों से पीछा छूट जाएगा तुम्हारा एम में जाकर के दिमाग के कपाट खोल दिए जाएंगे कि इन प्रेशर्स की भी और कितनी ज़्यादा डिटेल है आगे right ji so glomeruler hydrostatic pressure is because of the narrow efferent arteriole it favors filtration its value is 60 mm mercury bcop stands for blood colloidal osmotic pressure it is due to plasma proteins mainly serum albumin and it opposes filtration its value is 32 mm mercury and then the third pressure is capsular hydrostatic pressure right capsular hydrostatic pressure is because of what बिकॉज ऑफ द फ्लुइड ऑलरेडी प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ वोमस कैप्स्यूल तो जो प्रेशर फेवर कर रहा है यानी जी एच पी उसमें से वो दोनों माइनस कर दो जो अपोज कर रहे हैं यानी साठ में से बत्तीस जमा अठारह सिक्सटी माइनस थर्टी टू प्लस एटीन दैट इज सिक्सटी माइनस फिफ्टी इक्वल टू टेन एम एम मर्क्री दैट इज दफ पी ई एफ पी का फुल फॉर्म इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर अब आपको समझ आया जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो यूरिन फॉर्मेशन भी तो कम हो जाएगा ना मान लो अप्रेंट आर्टेल में जो ब्लड आ रहा है उसमें ही प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन है अगर बीपी बहुत डाउन हो गया किसी इंसान का तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी है ना टेन एम एम मर्करी प्रेशर तो होना ही चाहिए ना कि चीज़ें फिल्टर हो सके इज इट क्लियर राइट कैन यू प्रेस द लाइक बटन जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है मजा आया ना सेशन में लग रहा है ना एक मेडिकल वाली फीलिंग आ रही है ना कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं दिमाग के कपाट खोल रहे हैं सबके एन्जॉइंग द सेशन चैट बॉक्स में लिख के बताओ यस सर वी आर एनजॉइंग द सेशन चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं करा। है? वो हम आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में पढ़ेंगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं आज हमने इतना पढ़ा आधा और आधा वाला हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि जो फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कराती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं की अंदर वाली लेयर है उसमें जो ओपनिंग है ठीक है जी सो so, और बेसमेंट मेम्रेन सो ऑल डिस्कसिंग इन द फोर्थ कमिंग क्लासेस राइट सो यहाँ तक सबको समझ आ गया है इज इट क्लियर अक्षर ठाकुर पूनम नहीं पोना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरी आवाज़ भी पहले जैसी है आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है हेलो ऋषभ राठौड़ अच्छा एक बात बता दूँ ये इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपके साथ हम शेयर करते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देखना कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ जाइए डॉक्टर सचिन कपूर टॉक टी एल के राइट right? टेलीग्राम पर नीट आकाश डिजिटल टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन करना है बायो की रणनीति हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दैट आल्सो यू कैन ज्वाइन राइट अर्पित हुसैन साहिल कमलेश सलोनी सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पर्स फ्यूचर आप पढ़ते रहिए आप खुश रहिए ठीक है. है जी फिर मिलेंगे लाइक like जरूर करना शेयर जरूर करना सो so तब तक के लिए बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे ब्लेस्ड चीजें रिवाइज जरूर करना रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन इज द की टू सक्सेस जीवन में सफल बनना है तो फिर हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ठीक है जी देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस बाय बाय